अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। कुकिंग विद फरा के साथ आज फिर हाजिर हैं। अभी हम बनाने जा रहे हैं कुल्फ़ी। कुल्फ़ी बनाने का बहुत ही क्विक और इजी तरीका है, इसमें कोई चूल्हे की ज़रूरत नहीं है। हमने लिए हैं 6 ब्रेड, किनारे हमने काट लिए हैं 5 से 6। मैं इसमें इलायची डालूंगी, मैं खोल के देखूंगी कि इसमें कोई एम्प्टी ना हो, इसलिए मैंने ज़्यादा रखी हैं 6 तक आप डाल दें। 1 कप चीनी, 1 कप बलाई और हमारे पास ये बादाम हैं, ये मैं डालूंगी इसमें 35 बादाम डालूंगी। मेरे पास 3 कप ऑफ मिल्क है। इसको हम इस तरह से करेंगे। अब मैं सबसे पहले इसमें बादाम डालूंगी इस जग के अंदर, उसके बाद मैं इसके अंदर बलाई और बादाम डालूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 1 सेकेंड, अब हम इसमें बादाम डालेंगे, इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये ब्रेड तोड़ के। हमें गाढ़ा बनाना है इसलिए हम ब्रेड हमने 6 लिए। हमने इसके अंदर बादाम डाल दिए हैं, हमने 6 स्लाइस ऑफ ब्रेड पुट इनसाइड दिस जग एंड नाउ वी आर गोइंग 1/2 कप ऑफ मिल्क। नाउ आई एम गोइंग टू पुट शुगर फर्स्ट। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं सफ़ेद इलायची, 5 to 6 डालेंगे। आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल लें और इसको देखते रहेंगे। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ सारी इलायची डाल के। अब हम इसमें बनाने जा रहे हैं, देखें हमने बादाम डाल दिए 30, हमने 6 ब्रेड पीस डाल दिए, हमने शुगर डाल दी, हमने ये वाइट इलायची डाल दी, ज़्यादा हो रही थी मैंने हाथ रोक लिया, और हमने इसमें थोड़ा मिल्क डाला है, 3 कप ऑफ मिल्क है, मैंने आधा डाला है आधा बचा लिया ताकि ये सूखा सूखा है वो फंसे ना। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसको ग्राइंड। अब ये हमारा ग्राइंड हो गया, इसके बाद हम ये बलाई इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें 1 कप बलाई जो हमारे ने आपको दिखाई थी वो डालने जा रहे हैं और फिर इसको ग्राइंड करेंगे। हमने इसके अंदर 1 कप बलाई डाल दी है, अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा और दूध डालेंगे, मीठा चेक करके बताऊँ। असल में मैंने इसको देखा तो इसमें थोड़ी सी चीनी टेस्ट थी, तो आप थोड़ी चीनी अकॉर्डिंग टू अपने टेस्ट रखिएगा। और मैंने इसमें अभी 2 ब्रेड और डाल रही हूँ, 6 पहले डाली थी और 2 मैं और डाल रही हूँ, मुझे और थिक करना है इसको। टोटल 8 ब्रेड जा चुकी हैं इसके अंदर, हमने इसमें 2 ब्रेड और डाले थे, अब हमने उसको ग्राइंड कर लिया है। 2 ब्रेड की हमारी ग्राइंड हो गई, टोटल 8 ब्रेड जाना हो गई। अब हम इसको दोबारा चखेंगे कि कैसा है। ये देखिए हमारी कुल्फ़ी बिल्कुल माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आ रहा है, और जो है बिल्कुल इसके ना टेस्ट जो है इलायची ने और उठा दी है। तो आप लोग ये ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में। मैं अब इन सांचों में इसको डाल रही हूँ और फिर मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। अब हम इसको ना इस तरह से करके फॉइल लगा लेंगे, ये देखिए मैंने लगा दिया, उसको ऐसे टाइट भी कर दिया मैंने, और हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे, इससे बर्फ़ ऊपर नहीं जमती है। और फिर मैं आपको जब ये रेडी हो जाएगा ओवरनाइट, फिर मैं आपको इसको व्यू दिखाऊंगी। और ये हमें अभी मज़ेदार सी कुल्फ़ी रेडी है, ये देखिए आप लोग, और आप लोग बहुत मज़े की है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने भी ट्राई की है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इजाज़त दीजिए इसके साथ। अल्लाह हाफिज़।